अब देखिएगा अगर 1-2 महीने के अंदर कुछ और खेल निकलेगा। जैसे मैंने पहले कहा ना, ये सिर्फ एक नई ट्रक की बत्ती, 2-3 ट्रक की बत्तियां लगा दी हुई है उन्होंने कि एक तो इमरान खान बस अगले महीने निकलने वाले हैं, अगले महीने निकलने वाले हैं, उन्होंने कहानी। हाँ जी जी शाहिद भाई, देखें देखें बात यह है कि ट्रक की बत्ती तो लगाना, मेरा ही कहने का ये मतलब है कि भाई अर्शद शरीफ का केस उन्होंने इसके ऊपर डाल दिया, इमरान खान की फायरिंग का केस उसके ऊपर डाल दिया। भाई एक तरफ आप कहते हो कि इमरान खान का वो करीबी आदमी था, एक तरफ वो इमरान खान पे फायरिंग भी करा रहा है, इसमें हकीकत क्या है, सच क्या है, ये किसको, यही तो बात हो रही है ना। फिर बात ये दूसरी कि परवेज मुशर्रफ अगर आर्मी आर्मी को अपनी साख बचानी होती तो परवेज मुशर्रफ को तीन दफा फांसी क्यों दी जाती। नहीं सुनी भाई, सज्जाद भाई मैं पहले भी जो बात कह के गया था कि ये सिर्फ एक पीआर गेम है, पब्लिक रिलेशन गेम है, और उन्होंने वो चाल चली है। जी 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 जी, और दे आर दी मास्टर ऑफ इट। और उसमें देखें आपके सामने ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस झांसे में आ गए हैं। रिजल्ट बताता है, रिजल्ट बताएगा कि वाकई सीरियस एंड सिंसियर है, जो कि लगता है कि नहीं है वो, इसलिए कि जो वो करके बैठे हुए हैं ना पूरी आर्मी। अच्छा अगर पूरी आर्मी की बात करें ना, तो 1948 से काम शुरू हुआ था, 1948 से ये काम इन्वॉल्व है। सिर्फ फर्क इतना है कि 70s में ये जाके बेहुदा हो गए, उससे पहले ये बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से करते थे ये काम। जी जी जी, वारदात हमेशा से करते आए, 48 से करते आए, पाकिस्तान बनने के फौरन बाद, लेकिन बड़े सोफिस्टिकेटेड डाकू और चोर थे ये। 70s के बाद ये बेहुदा हो गए, बस इतना सा फर्क है, अवाम को समझ आ गई। बस ये होता है ना तरीके से करना काम, तरीके से करना कि पता ना चले, और लॉन्ग टर्म में आदमी को जाके पता चलता है। जैसे अब अमेरिका का दुनिया में पता चल गया कि भाई वो असला बेचने के लिए डिवाइड एंड रूल और दोनों को असला बेचता है, लेकिन 200 साल लगे लोगों को समझने में, समझे, यहाँ पर 76 साल लगे समझने में लोगों को। बस लेकिन थे ये इन्वॉल्व 48 से ही। पहले इन्होंने मारा कायदे आजम साहब को, उसके बाद मारा लियाकत अली खान साहब को, उसके बाद मारा मोहतरमा फातिमा जिना को, है तो किस किस का नाम लेंगे आप। ये हमेशा से इन्वॉल्व रहे हैं, इसलिए कि इनकी इंटेंशन जो थी वो थी, यानी कि आप कहेंगे शुरू से इन्वॉल्व रहे हैं, इंटरप्राइजेस बनाने हैं, इन्होंने लड़ना नहीं है। 1984 के बाद जब एटम बम बन गया ना, जिस वक्त इन्होंने धमाका किया 98 में, 84 के अंदर जब अपना डॉक्टर कदीर खान साहब ने कहा कि एटम बम बन गया है जियाउल्लाह साहब को, उसके बाद से आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो डॉक्टर आयशा की जो बुक है उसके अंदर आपको सारी करप्शन मिलिट्री की मिलेगी, तो वो 80s and 84 के बाद मिलेगी, और वो 10 टाइम ज्यादा है। जी जी जी, क्यों, इसलिए तो उन्हें पता है कि जंग होनी नहीं है, जंग होनी नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जंग होनी नहीं है और ना ही हमने जंग करनी है, और ये मुझे पता है जंग होनी नहीं है, और अगर होगी भी तो 10-12 दिन की होगी। और तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बस इन्होंने सारा का सारा जो है ना बस एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, फैज हमीद को गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने सबूत दे दिया कि जी देखिए हमने आर्मी पे, जी ये टोपी ड्रामा है आपके नजदीक, जी एक टोपी ड्रामा, चले ठीक है, आ गया 3 महीने ये खींच लेंगे, 3 महीने इसको खींचेंगे, जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान को कह रहे हैं कल रिहा कर रहे हैं, परसों रिहा कर रहे हैं, मगर नहीं करना था, ठीक है जी, कुछ नहीं करना, सही, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, जी बोलिए क्या कहेंगे। जी सर, हेलो हेलो, जी सर क्या कहेंगे। हेलो जी जी, देखें ये फिर वही आर्गुमेंट है कि करें तो भी मुश्किल और ना करें तो भी मुश्किल। उन्होंने पकड़वा इसलिए दिया कि अपने आप को बचा रहे थे, जब तक पकड़वाए नहीं थे वो कहते थे कि फौज को तो कोई पकड़ता ही नहीं है। ठीक है, ये वही आर्गुमेंट है कि 9 मई को रोका क्यों नहीं फौज ने,
और जब वहां रोका अपने बलूचिस्तान में जो सारी अपने पख्तूनख्वा में एक मौके पे, तो रोका क्यों?